आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए एक नया वीडियो पे आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो पे जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा, तो इस वीडियो पे हम लोग दिखाएंगे कि जो 12 वोल्ट का डीसी मोटर होता है, मान लीजिए कोई भी वोल्ट का जो डीसी मोटर होता है वो एसी लाइन पे चलता है कि नहीं चलता है। मतलब कि आपका 12 वोल्ट एसी लाइन, 230 वोल्ट के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 12 वोल्ट एसी लाइन की बात कर रहा हूँ। तो 12 वोल्ट का जो एसी लाइन आता है तो उसमें डीसी मोटर चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है एंड आप लोग जान पाएंगे कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो कितना स्पीड से चलेगा। वो मैं फैन को अटैच करके भी दिखा दूंगा आपको कि कितना स्पीड से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब बातें। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं नया नया टाइप का वीडियो हर रोज अपलोड कर पाऊंगा दोस्तों। बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है ये वीडियो दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो दोस्तों ये रही हो RS555 मोटर है, 12 वोल्ट का 5000 आरपीएम का एक डीसी मोटर है। और दोस्तों मैं जो एसी को रिड्यूस करने के लिए यूज कर रहा हूँ ये ट्रांसफार्मर। तो देख रहे दोस्तों ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर है इसका, ये दोनों है इसका कॉयल का एकता जो मैं अटैच करने वाला हूँ एसी लाइन से, 230 वोल्ट का एसी लाइन। और यहाँ पर है दोस्तों 12012 का वोल्टेज मिलेगा, इसका मतलब है यहाँ से मिलेगा 12 वोल्ट। ये है इसका सेंटर टैप का लाइन, ये है सेंटर टैप का लाइन और ये 12 वोल्ट। तो इस ट्रांसफार्मर से हम लोगों को टोटल 12 वोल्ट मिल सकता है। तो ये दोनों वायर अगर हम लोग लेंगे तो 24 वोल्ट मिलेगा, और ये दोनों अगर वायर लेंगे तो हम लोगों को 12 वोल्ट मिलेगा। तो दोस्तों पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मोटर को चेक करेंगे नॉर्मल डीसी वोल्टेज से। आप लोगों को चला के दिखा देता हूँ दोस्तों। ये एक मेरा पावर सप्लाई, तो 12 वोल्ट पे ये सेट डाउन है। तो चलिए आप लोगों को इस मोटर को पहले चला के दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी आप सबका जिसका इंतज़ार है कि ये जो ट्रांसफार्मर का जो लाइन है, ये देखिए मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया है इधर से। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग प्लग इन कर देते हैं पहले, 230 वोल्ट के अंदर हम लोग इसको प्लग इन करेंगे। तो चलिए प्लग इन तो हो गया। अब क्या करेंगे कि इसका एसी का जो वोल्टेज आ रहा है उस वो हम लोग चेक करेंगे कि कितना क्या वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों ये और ये कनेक्ट कर दिया। तो देखिए दोस्तों 12 वोल्ट आना चाहिए, आ रहा है आपका 14 वोल्ट। ठीक है दोस्तों 14 वोल्ट आ रहा है। अभी 200 पे हम लोग चेंज करते हैं इसको और इधर पे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए दोनों ये दो जो व्हाइट येलो वायर है इस दोनों पे अगर कनेक्ट करेंगे तो हम लोगों को मिला 28 वोल्ट, मतलब 14 वोल्ट का दुगना। देख रहे हैं दोस्तों डीसी 20 पे सेट किया हुआ है, डीसी का कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है क्योंकि ट्रांसफार्मर है, प्योर एसी आएगा इसके अंदर से। इधर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देख रहे हैं दोस्तों कोई भी डीसी वोल्टेज नहीं आ रहा है नेट। तो चल तो दोस्तों देखते हैं कि कुछ फर्क होता है कि नहीं होता है। ये देखिए दोस्तों ये चल रहा है, शायद आप सुन सकते। ये देखिए तो चलिए दोस्तों अब इसके साथ मैंने फैन को अटैच कर दिया ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कैसे घूम रहा है, एसी में भी घूम रहा है। तो वो दिखा देते, ये देखिए दोस्तों इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये देखिए ये देखिए दोस्तों ये मोटर घूम रहा है, मगर उसका जो आपका स्पीड है वो बहुत ही कम है, क्योंकि पहले जो हम लोगों को दिखाया था वो स्पीड बहुत ज़्यादा था, मगर इसका स्पीड बहुत ही कम हो रहा है। तो देखिए दोस्तों अच्छे से घूम रहा है, मगर कुछ कुछ टाइम ये नहीं घूम रहा है। जब मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया इसको, कुछ कुछ टाइम तो ये नहीं घूम रहा है। देखिए अभी कनेक्ट हुआ है मगर नहीं घूम रहा है, मगर अब कुछ कुछ टाइम ये घूम रहा है। मगर ये वाइब्रेट बहुत ज़्यादा कर रहा है क्योंकि 50 हर्ट्ज़ का लाइन है, तो मुझे लगता है शायद ये 50 हर्ट्ज़ पे ही वाइब्रेट कर रहा है। ये देखिए अभी ये घूम रहा है,
अब कुछ कुछ अभी देखिए कनेक्ट हुआ है मगर कुछ नहीं हो रहा है आशा करते हैं कि दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर इसको वीडियो को आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड कमेंट बॉक्स पे लिखना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी ये मोटर चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। पता नहीं दोस्तों, कभी कभी तो चल रहा है मगर एसी में जो कुछ तो फ़र्क होता है इस मोटर में, ये तो दोस्तों पक्का है कि डीसी में, डीसी मोटर में भी, और ये भी हम लोग जानते हैं कि डीसी मोटर एसी में चलता है। जो सीरीज डीसी मोटर होता है, सीरीज कनेक्शन में जो डीसी मोटर आता है 230 वोल्ट या उससे भी ज़्यादा रेटिंग का डीसी मोटर, वो एसी में भी चलता है। कुछ यूनिवर्सल मोटर होता है जो आपका एसी एंड डीसी बोथ पे चलता है, वो भी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो यूनिवर्सल मोटर है वो चलता है दोनों लाइन पे ही। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।